दोस्तों नमस्कार, HRI न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके लिए बड़ी खबर दोस्तों लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, CGI NB रमना अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर मोदी सरकार को निशाने पर लेते रहते हैं, फटकार लताड़ लगाते रहते हैं। वहीं एक बार फिर से CGI NB रमना एक्शन के मूड में दिखे हैं। कानून मंत्री की मौजूदगी में CGI NV रमना ने दिखाया सरकार को आईना, अदालतों के हाल पर कही है बड़ी बात, मोदी सरकार को फिर लताड़ लगाई। भारत के चीफ जस्टिस NV रमना ने कानून मंत्री के सामने ही ज्यूडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू के सामने उन्होंने देश के न्यायिक बुनियादी ढांचे के बारे में भी चिंता जताई है। यहां तक कि CGI ने किरण रिजिजू के सामने ही कह दिया कि यदि आप न्यायिक प्रणाली से अच्छा परिणाम चाहते हैं तो हम इस वर्तमान स्थिति में काम जारी नहीं रख सकते हैं, इसके लिए आपको पहले एक व्यवस्थित बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना होगा अदालतों के लिए। यह दोस्तों दूसरी बार है जब मुख्य न्यायाधीश ने कानून मंत्री के सामने ही केंद्र सरकार को आईना दिखाया है और मोदी सरकार के दावों को खोखला साबित किया है। ये इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही थी दोस्तों, जो आप तक पहुंचाई है। अगर आप भी CGI की बातों का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों अपना समर्थन भी जरूर दर्ज करवाइए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।